हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ प्रियंका राठौर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। और अभी तक जो क्लीनिंग वाला जो मेरा रूटीन वीडियो था वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो अभी जस्ट अभी किया है और मैं व्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ वापस से। तो आज सुप्रीत को मैंने और जो डायना है उनको मैंने डिनर पर बुलाया है और इंडियन खाना बना रही हूँ। बहुत स्पाइसेस बहुत कम डाला, इनफैक्ट मैंने इतनी सी मिर्ची डाली थी, तो होप वो उनको खाना अच्छा लगे। और मैंने अभी तक बना दिया है, मैंने दाल फ्राई बना दी है, मैंने राइस बना दी है, मैंने योग वो क्या बोलते हैं उसको गॉड बूंदी का रायता बना दिया है और सैलेड काट दिया है, उन लोगों के लिए वाटरमेलन जूस बना दिया है। अब मैं बना रही हूँ मलाई एग करी और फिर मैं आटा गूंद की रोटियां बनाऊंगी। और मेरा ये लिटिल बेबी भी आ गया है कैमरे में, तो बस अब मैं एग करी बना रही हूँ। वो मैं यूट्यूब से ही बना रही हूँ, मतलब मैं यूट्यूब पे ही देख के बनाऊंगी। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ थोड़ा थोड़ा उसमें से कैसे कैसे बना रही हूँ। बट आई नो मेरा ऑलरेडी उसका सब चॉप वॉप तो हो चुका है, बट लेट्स सी मैं जैसे जैसे बनाऊंगी थोड़ा थोड़ा क्लिप करने बनाने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज प्लीज कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये जो किचन व्लॉग रूटीन व्लॉग्स है ये ऐसे के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और यस ओगी बाबा, आप हेलो बोलो सबको। ओगी हेलो बोलो। ये देखो इतनी बदमाश, इसके सॉक्स देखना आप दोनों अलग अलग सॉक्स हैं। मुझे हमेशा नानपिट दी रहती है, जब भी मैं वीडियो कॉल करती हूँ निकजा और मम्मा और सबसे बात करती हूँ तो सब हंसते हैं कि तू रोज इसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सॉक्स क्यों पहना देती है। मैं कहती हूँ कभी इसका एक सॉक्स घूम जाता है, कभी उसका एक सॉक्स इधर पड़ा होता है, तो फिर मैं इसको कोई भी कभी भी सॉक्स पहना देती हूँ। तो अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी वरना फिर से मेरा व्लॉग बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरे को बोलना कम है दिखाना ज्यादा है आप लोगों को। The little bunny sleeping down into the nook, shall we wake them with a merry tune? Are you asleep? No, wake up little bunny, hop little bunny, hop hop hop, turning to see the little bunny sleeping, turning to the now, shall we wake them with a merry tune? Are you asleep? Now wake up little bunny, hop little bunny, hop hop hop, are you asleep? Now wake up little bunny, hop hop hop, hop 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 and stop. See the little bunny sleeping, turning to the low. Shall we make the merry? पैन में डाला है बटर, आप बटर भी डाल सकते हो, ऑयल भी डाल सकते हो, पर मैंने बटर डाला है क्योंकि मुझे बटर पे बनानी है। इसमें अनियन और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बनाया है, अब इसको एक साथ डालूंगी इसके अंदर। अब इसको 15 मिनट तक आपको स्टील करना है, मतलब हिलाना नहीं है। अब इसको 15 मिनट तक आपको कुक करना है, तो मैं अब इसको बस थोड़ा सा हिलाकर चम्मच से, और फिर मैं इसको 15 मिनट के लिए सिम पे छोड़ दूंगी, या सिम थोड़ा फ्लेम देखते रहो बाकी भी चिपके ना। और इसको 15 मिनट्स अब पकने के लिए अपन रख देंगे। मैंने लीड ढक दी है, आपको ढकना हो तो ढकना वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिना ढके भी बना। 15 मिनट तक ऑलमोस्ट उसको को कुक करने के लिए छोड़ना है, और ना जब तक वो फुली पेस्ट कुक ना हो जाए, तो यदि 15 मिनट्स में अगर वो पेस्ट ना कुक हो तो थोड़ा सा और देर तक कुक करना, जब तक पूरा आपको लगे कि पेस्ट एकदम अच्छे से कुक हो गया है। उसके बाद जब तक आपके अनियन कुक हो रहे हैं, मतलब वो जो भी पेस्ट आपने बनाया है वो कुक हो रहा है, उस तब तक मैं बाकी चीज़ें इसमें जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं इसमें डालूंगी पेपर, पिसा हुआ पेपर डालना है, और ये क्यूमिन सीड्स डालने हैं, जीरा का पाउडर डालना है, और थोड़ा सा गरम मसाला। तो बस यही तीन चीज़ इसमें डलेगी, और नमक भी। और इसमें एक ग्लास दूध लिया है मैंने, तो मैं दूध में बना रही हूँ, तो ये मलाई एग करी है। तो लेट्स सी कैसे बनती है, मैं पहली बार बना रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ। मैं दूध डालूंगी, तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि इसको बिल्कुल मतलब बंद होना चाहिए स्विच इसका। और अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। अब मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स करूंगी अनियन के साथ में। तो इसमें अपन को इस टाइम फ्लेम बिल्कुल बंद रखना है क्योंकि शायद दूध फट जाता होगा, आई थिंक, मुझे उसने मैंने जहाँ से देखा है उसने कुछ बता ही नहीं रही थी, वो उसके सिर्फ लिखा हुआ आ रहा था, तो रीज़न नहीं बताया कि बंद क्यों करना है, बट हाँ बंद कर देना यार आप लोग भी गैस को और बस इसको कई देर अपन को मिक्स करना है।
उसके बाद में मैं इसमें तीनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो तीनों डालूंगी जो मैंने पाउडर बताए थे आपको, और उसके साथ में सॉल्ट भी डालूंगी और फिर इसको वापस से अच्छे से मिक्स करूंगी। तो मैंने तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें इसमें डाल दी हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने दूध और डाल दिया, मुझे लगा दूध कम ना पड़ जाए तो मैंने थोड़ा और डाला। मिक्स हो गया है और अब मैं इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी, बिकॉज जब तक इसमें ऑयल मतलब ऊपर तक नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग इसको पका। मैंने इसमें सारे एग डाल दिए हैं और इसमें थोड़ा सा तेल आने लग गया था जो मुझे नहीं दिखा, बट मैं आपको बता रही हूँ कि तेल मेरे से एक्चुअली चौपट हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो तेल दिख ही नहीं रहा छूटता हुआ, बट मुझे ऐसे बबल्स दिख रहे हैं। तो जो भी है, आपके तेल छूट जाए ना तो आप एग डाल देना, बट अभी मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा था और मेरा सिर्फ बॉयल आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा मैं तो मेरा एग डाल दूँ। तो मैंने एग डाल दिए हैं इसमें और अब मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी और फिर दिखाती हूँ। इसको 3 मिनट ही पकाना है और 3 मिनट के बाद आपकी सब्जी तैयार है और आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हो कोरिएंडर से। इसके बाद दुष्यंत और उनके फ्रेंड आ गए थे, हम लोगों ने जूस पिया और हम लोगों ने काफी देर बच्चों के साथ खेला। देख पापा बाहर आ गए, तो देख पापा बाहर देखते चले, वो आ गई वे। नो नो बेबी स्लीपिंग, नहीं बेबी के पैर नहीं लगाया ना। फिर हम सब ने डिनर किया और डिनर बहुत टेस्टी था, सबको बहुत अच्छा लगा। और सुप्रीत ये केक लेकर आया था तो फिर हमने केक खाया, थैंक यू सो मच सुप्रीत फॉर द केक। और उसके बाद वो लोग घर चले गए थे, उनको जल्दी जाना था तो उन सब ने डिनर जल्दी कर लिया था तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। बस जस्ट अभी मैं ग्रीनवुड स्टेशन आई हूँ और अब मैं मेरी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। हम लोग मदर्स ग्रुप है हमारा अजमेर से को, तो मैं आज हम लोग हमारी फ्रेंड के घर ही जा रहे हैं क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है वो डाइटिशियन है और वो आज बच्चों के लिए जो प्रॉपर स्नैक्स और क्या होते हैं क्या खाना चाहिए तो वो सब कुछ बताएगी। तो वो उसने इतने दिन से कह रही थी तो अब आज उसने वेंसडे को उसने बोला कि आज हमारे घर पे ही कर लेते। तो उसमें क्या होता है कि हम सब मदर्स जाती हैं तो, और हम लोग ये सब फ्रेंड्स कैसे बने थे वो मैं आपको घर जाके पक्का बताऊँगी आज। तो बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये मदर्स ग्रुप और अच्छा है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं ये लोग। और अभी मेरा बच्चा जो देख रहे हो बड़ा ही बदमाशी कर रहा है, क्या चाहिए क्या चाहिए आपको। मीनवाइल इस लड़के को देखो क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है। सब लोग बस स्टॉप पे उसका वेट कर रहे हैं, नॉट बस स्टॉप, ट्रेन स्टेशन पे कर रहे हैं उसका वेट। फिर मेरी फ्रेंड हेली मुझे लेने आ गई थी हम दोनों को। मेरे सारे मदर्स ग्रुप में सब फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं और क्योंकि मैं ड्राइव नहीं करती हूँ तो मैं सिर्फ ट्रेन में जाती हूँ, तो यदि अगर घर जाने के लिए इधर वहाँ बस नहीं होती है तो वो मुझे हमेशा ये लोग स्टेशन से पिक कर लेते हैं और हमेशा मेरे को कभी कहीं साथ में कहीं जाना होता है तो वो मुझे हमेशा राइड देते हैं। और बहुत ही स्वीट है मेरे सारे मदर्स ग्रुप में सब फ्रेंड्स और हम सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं एक दूसरे के। और एक दूसरे के घर पर कभी हम लोग लंच पर जाते हैं, कभी डिनर पर जाते हैं। तो ये अभी उसने बनाया है सब जो इंग्रेडिएंट्स जो वो हमें बता रही थी, तो इसमें मेरे लिए तो टोफू था और ये सब लोग चिकन का खा रहे थे और सब वेजीज और अलग अलग तरह की चीज़ थी। और ये ऐश है जिसे आप पहले मिल चुके होंगे और इनका बेटा है ड्रू। और ये मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी उसका नाम है टेसा और टेसा का जो बेबी है उसका नाम थियो है। और मैं हम जिसके घर आए थे उसका नाम हेली है और हेली की बेबी का नाम ऑक्टेविया है, वो उस वक्त सो रही थी। तो हम लोग सब ने काफ़ी इन्जॉय किया लंच को, हम तीन ही थे आज, बाकी सब लोग आज आ नहीं पाए थे, कोई कहीं गया हुआ था। तो बस यही हमने आज इन्जॉय किया। हेली और मेरे को शॉप्स पे जाना था तो हम दोनों ने शॉप पे जाके कुछ सामान वगैरह लिया और उसके बाद उसने मुझे स्टेशन छोड़ दिया और फिर मैं स्टेशन से घर आ गई और दुष्यंत ने मुझे स्टेशन से पिक कर लिया। और फिर नेक्स्ट डे मैंने कॉफ़ी इन्जॉय करी, मेरी फ्रेंड ने ऐश ने हम सबको कुकीज़ दी थी मदर्स डे के लिए, सो थैंक यू ऐश। और यही था इस ब्लॉग में, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।